नमस्कार। खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमर शाह और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सिलीगुड़ी के उभरता सितारा जिनका नाम है सेंसे सुबीर सरकार जी, जो कि हर उम्र के बच्चों को कराटे की प्रतिभा दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर आया है एक चैम्पियनशिप में। और जानेंगे उनसे ही उनकी ज़ुबानी कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं वो और क्या उनके सफ़र में क्या जो मुश्किलें हैं वो आई और कैसे दौर से वो गुजरे हैं और आज वो कैसा प्रशिक्षण सिलीगुड़ी के युवाओं और युवतियों को वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर आजकल में। नमस्ते जी। सुबीर जी बताइए कि आपने जो जो सफ़र शुरू किया वो कैसे किया? सर थोड़ा सा बोरिंग लगता था मुझे कराटे जी। फिर एक टाइम आया मुझे, मैं थोड़ा सा मूवी देख रहे थे, अक्षय कुमार को थोड़ा फॉलो करते थे जी। उनका जो बेसिक हो अपना मार्शल आर्ट के जो मूवी सब है उसे देखते थे। तो उस टाइम पापा को मैंने बोला पापा मुझे भी मार्शल आर्ट करना है, मुझे भी कराटे सीखना है जी। मुझे इस लाइन पे आना है, तो ठीक है बेटा मैं भर्ती कर दूँगा। उस टाइम मेरा लगभग सेवन ईयर्स थे। 6 से 7 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया अपने प्रतिभा को दूसरे समझाने के लिए? यस यस जी। तो पापा का कितना सपोर्ट मिला, मम्मी और पापा दोनों का? पापा और मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला। आज मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, एक मतलब मैं एक बोल सकता हूँ मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट किए, बहुत मतलब बहुत बहुत मेहनत ही किए मेरे ऊपर और बहुत और साथ सपोर्ट किया। आपने भी अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया और हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ सिर्फ पापा मम्मी सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, खुद को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी मेहनत करना है और मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। सुबीर जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज आपके जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कराटे अकेडमी को चला रहे हैं, अभी कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षण दे चुके हैं? देखिए स्कूल कॉलेज और ब्रांचेस का जो स्टूडेंट है कुल मिला के मेरे पास अभी 6000 बच्चे, 6000 बच्चों को आप प्रशिक्षित कर रहे हैं? कर रहा हूँ जी। तो जैसे कि आपके इतने सारे बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया है और काफ़ी बच्चे अलग अलग लेवल में अलग अलग जगहों पर जाकर खेल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, कितने बच्चों ने अभी तक ऐसे कोई अचीवमेंट जो आपको बहुत गर्वित करती हो? हाँ है, मेरे पास गोल्ड मेडल है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडल है, नेशनल गोल्ड मेडल है। अभी मुझे एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है, कॉमनवेल्थ गेम में मुझे बच्चे लेके जाना है जी। और पेरेंट्स लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आज खबर आजकल में बोल रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को मैं उस जगह पहुँचा के रखूँगा जी। हमारी तरफ तो हमेशा शुभकामना रहेगी और जो पेरेंट्स है, जैसे हमने पेरेंट्स से भी बात की कि उन्होंने भी अपनी काफ़ी जो उनका जो इंटरेस्ट है उन्होंने काफ़ी शुभकामनाएं भी दिया आपको और वो काफ़ी खुश हैं आपके जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण उसको लेकर। तो सुबीर जी हम बात करेंगे, कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ अपने आगे जो विज़न है जो आप रखना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा आगे विज़न है, मेरा एक ही विज़न है, बच्चे को कैसे इम्प्रूव करना है जी। आजकल बहुत सा कराटेकर है, बहुत कराटेकर, मैं नाम नहीं बोलूँगा, अपने अपने प्रोफेशन में बहुत बेस्ट है जी। तो उनसे ज़्यादा, उनसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ। आजकल आप भी देखते हैं छोटे छोटे 6 साल का 5 साल का 7 साल का बच्चे लोग जैसे यूट्यूब चलाते हैं, तो हम लोग उतना चला नहीं सकते, उतना अपडेट नहीं रहते। आजकल मैं यूथ में जो बोल रहा हूँ, आजकल यूथ बहुत आगे जा रहा है, बहुत कुछ से टेक्नोलॉजी से आप देख लीजिए, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, आपको उन लोग का जो कोई ब्रांड को बनाने के लिए एक युवा ही काम लगता है। और जी मतलब यू कहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ों की अगर उन्नति या तरक्की की अगर बात करें तो युवाओं जो होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यस यस यस, मैं बोलना चाहता हूँ जी। तो जैसे कि आपने इतने सारे बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के, तो लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़ सुना, हम चाहेंगे कि आप उस न्यूज़ के बारे में बताएं, जो उस खबर के बारे में बताएं कि आपके एक चैंपियन में आपके जो बच्चे हैं वो। यस मेरा फिफ्थ इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप है जी, वो कोलकाता इंडोर स्टेडियम में हो रहा है जी, जुलाई पे हो रहा है जी। तो उसमें मेरे स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट मेरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा उम्मीद है वहाँ से कम मेरा मेडल आएंगे। 18 थे वहाँ से 13 पदक हम लोग हासिल किए, वहाँ से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज।
जी बहुत बहुत अच्छी बात है। और प्रीवियस अगर हम कहें कि जैसे पिछले समय में आपने काफ़ी सारे पदक अपने बच्चों को जितवाया है और आप भी कहीं ना कहीं एक ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉमनवेल्थ गेम पे भी ट्राई कर रहे हैं, तो कितना लगता है कि आप इस चीज़ में कामयाब होंगे और ऐसा क्यों अपने बच्चे पे आपको भरोसा है? क्योंकि मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे जो मैं नहीं मेरा बच्चे बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोग जो मेहनत करते हैं जी, क्योंकि मेरा जितना क्लास है जी, मेरा सिलीगुड़ी में कम से कम ऑलमोस्ट 13 क्लासेस है, 13 ब्रांचेस है, तो वहीं पे सबको आते हैं, सबको आता है। एक स्टूडेंट कम से कम 4-5 ब्रांच में क्लास करते हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे बच्चे लोग, बहुत हार्डवर्क कर रहे जी, तो उस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ मेरे बच्चे अच्छा कर। मतलब उनकी जो कोशिश है, उनका जो सीखने का जो जोश है, जो नज़रिया है, जो इच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड होकर आप कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक कॉमनवेल्थ गेम पे उनको लेकर लड़ सकते हैं। और कॉमनवेल्थ मैं लेके जाऊंगा जी, और ये कोलकाता का, मैं कोलकाता से जो हम लोग को कैब है कराटे एसोसिएशन ऑफ बेंगल, वहाँ से परमिशन लूँगा मैं और मेरे स्टूडेंट को उस जगह पे उस लेवल में मैं लेके जाऊंगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हुए आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। बहुत सारा जिस तरह से पड़ाव जो है वो पड़ाव पार करके आप करना चाहेंगे। अच्छा सुभी जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि जैसे कि हर एक जो शिक्षक होते हैं, जो एक संगीत वादक होते हैं या फिर एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से, आप अपने आप को बाकियों से अलग कैसे समझते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा हटके सोचता हूँ जी, बच्चे क्योंकि मैं एक टाइम पे एक, मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, मैं एक प्लेयर था जी, तो इस वजह से मैं एक प्लेयर को मैं समझ सकता हूँ उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या उसका सही हो रहा है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, उसका घर पे क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो मैं वो समझता हूँ एंड वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मतलब यूँ कहें तो आप जो बच्चे आपके पास सीखते हैं, आप उनको उनके हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं, उनको परखते हैं, उसके बाद आप उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको समझ के उनको अच्छे से आप उनकी भाषा में उनके तरीके से उनको समझा सकें जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे लास्ट में, तो इससे पहले भी काफ़ी खबरों में आपके बारे में छप चुकी है और बताई गई है, जैसे कि आपके कुछ बच्चे बीते कुछ 2-4 दिन पहले भी एक पदक जीत कर आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये था 4th नॉर्थ बंगाल कराटे चैम्पियनशिप जी, ये 1 और 2 जून को हुआ था जी, ये हुआ था दिल्ली पब्लिक स्कूल में जी, वहाँ पर मेरे पार्टिसिपेट कम लगभग 18 थे जी, वहाँ से 13 पदक हम लोग हासिल किए। तो दर्शकों, अब तक हम बात कर रहे थे कराटे सिलीगुड़ी के एक नामी और बहुत ही विख्यात कराटे सेंसेई सुभी सरकार जी से, जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और उनका आज के इंटरव्यू का मेन मकसद यही था कि वो काफ़ी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं एक अच्छे मुकाम पर जाने के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से काफ़ी बच्चों को वो प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से सिलीगुड़ी और हमारे जो बंगाल, हमारा जो देश है, उसका जो नाम है वो पूरे विश्व में लहराए, चाहे वो किसी भी कोई भी जड़िया हो, चाहे वो कराटे हो या फुटबॉल हो या फिर किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, उसके थ्रू जो टैलेंट वो जानते हैं वो कराटे में बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, वो अपने टैलेंट को अपने बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से किसी भी देश और विदेश में जाकर अपना परचम जो है वो लहरा सके। साथ ही हम अनुरोध भी करते हैं कि अगर आप में से कोई भी परिजन, कोई भी गार्जियन अगर चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा जगह पर पहुंचाना चाहते हैं कराटे या उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अगर उन्हें देना चाहते हैं, तो आप आसानी से हमारे जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, आप उस नंबर पर आसानी से संपर्क करके सीधे सुबीर जी से बात कर सकते हैं। सुबीर जी आपकी इस जो प्रॉब्लम है या आप कहें तो इस तरह की जो सुविधा आप लेना चाहते हैं उसमें सुबीर जी आपकी बेशक मदद करेंगे। इसी के साथ मैं सुबीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा और जो बातें हम बताना चाहते थे या जो सुबीर जी ने जो बातें बताई और आपने जो वीडियो पूरी देखी कि किस तरह से वो बच्चे को प्रशिक्षण करा, उन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने दिया है उनको देखिए। और इसी के साथ मैं हमारे साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी प्रतिभा अगर आपके आसपास है या किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में अगर आप हमसे जानना चाहते हैं या हमारी सेवा लेना चाहते हैं, तो हमारे खबर आजकल के नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।